भाई तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रैन सिमुलेटर और काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यार हम लोगों ने जो कूप फार्म बनाया था उसको आज हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं और ट्राई करेंगे कि एक बढ़िया सा बेस बना सके उसका जहाँ पे हम लोग अच्छे से चिकन फार्मिंग कर सके। वेल वहाँ पे हमारी काफी सारी एग प्रोडक्शन होने वाली है जिससे हम लोग सेल करके ना काफी सारा अमाउंट में पैसा जनरेट करने वाले हैं। वेल शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। ऑलराइट गाइस वेलकम बैक टू आवर रैंच और भाई आज काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि यार अभी तुम लोग देखो हम लोगों ने इसको डे 20 या 21 में हम लोगों ने इसको हैंड किया था और आज डे 31 है। आप लोग देखो यार मैंने ना ये जितने भी पेड़ वगैरह थे ना भाई सारे के सारे कट कर दिए। यहाँ पे दूर दूर तक ना मेरे रांच का एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। यहाँ पे वहाँ पे कुछ पेड़ वगैरह हैं उनको भी हम लोग जल्दी हटा देंगे क्योंकि यार हम लोगों ने काफी सारे प्लैंक की जरूरत पड़ती रहती है। और कई सर मैंने ना यहाँ पे कार्ड खरीदा है जिससे कि ना हम लोगों ने काफी सारे वुड लॉग्स जो होता है ना उनको यहाँ पे पैक करके रख दिया है इसके अंदर में। जब भी हम लोगों का मन करेगा ना यहाँ से हम लोग टैप करेंगे और इस पर ई दबाते ये ना प्लैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसको वापस अंदर रख देता हूँ क्योंकि यार ये ना भी भरे पड़े हैं। ये वाला खाली है इसको हम लेटर ऑन भरेंगे। अभी हमारे पास काफी सारा प्लैंक पड़ा हुआ है इसको मैं फटाफट से बंद करता हूँ और हमारा ना चिकन फार्म हम लोगों को चेक करना है कि आखिर कैसा चल रहा है फिलहाल। और यहाँ पे यार मैंने ना कुछ हिरण वगैरह को मार दिया था तो यहाँ से ना मीट वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है और दो तीन मुर्गियां जो थी ना मर चुकी थी तो यहाँ पे मैंने उनको लाके ना पटक दिया है अभी फिलहाल के लिए। वरना मैं पहले चेक करना चाहता हूँ इन मुर्गियों को ना खाना वाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे 5-7 है और अभी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे सारा का सारा जो खाना वाना है इनका। यहाँ पे 3 है इसमें ना थोड़ा खाने की जरूरत पड़ने वाली है हम लोगों को। यहाँ पे भी थोड़ा कम खाना है। अभी दरवाजे क्या हो रखा है भाई खराब से हो रखे इनको दोबारा लगा। ओ यहाँ पे ना खाने की कमी हो रही है इसको इनको फटाफट से खाना दे देता हूँ यार। यहाँ पे भी 3-7 है तो थोड़ी देर के लिए ना चल जाएगा उसके बाद हम लोगों को ना यहाँ पे खाना देना पड़ेगा इनको यार। तो एक काम करता हूँ जहाँ जहाँ पे जरूरत है ना उनको मैं खाना दे देता हूँ अभी क्योंकि यार हम लोग ना थोड़ा बिजी रहने वाले हैं अभी हम लोगों ने काफी सारा काम निपटाना है इसलिए। तो गाइस यार मैंने यहाँ पे अपनी मुर्गियों को खाना डाल दिया है और हाँ मुझे पता है मैंने इसके बारे में नहीं बताया मैंने इसके फ्रंट साइड में भी ना इसको थोड़ा चेंज करके यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बड़ा कर दिया था स्कूप फार्म को। वेल इससे भी काफी फायदा ये हो रहा है कि ना काफी ज्यादा अमाउंट में हम लोगों के पास ना एग्स इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोग जितना ज्यादा एग्स वगैरह जो है ना सेल करेंगे भाई उतना अच्छा प्रॉफिट होगा हम लोगों को। और अभी जो है हमारे पास में $960 है तो ये काफी सही है क्योंकि हम लोगों को ना कुछ नया बिल्ड करना है हमारे कूप फार्म के लिए। तो सबसे पहले तो यार मेरे को ना एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है इसके लिए क्योंकि मैंने देखा इसके अंदर ना सारे के सारे ओपन करके देखिए और इसके अंदर क्या होता है ग्रेनरी के अंदर ना ऑटोमेटिक फूड सिस्टम है ये वाला दोनों का। इसमें पानी का ऑटोमेटिक होता है और इसमें ग्रेनरी में ऑटोमेटिक फूड का रहता है राइट। तो हम लोगों को क्या करना है हम लोगों की ग्रेनरी बनाना है जिसमें मेटल लगेगा काफी सारा और मेटल ना बहुत महंगा आता है भाई। तो मैं काम करता हूँ मैं अलग साइड डिजाइन तैयार करने की सोच रहा हूँ तो एक वहां पे रख देता हूँ अभी के लिए और जो विंड मिल है उसको हम सामने की साइड में लगाएंगे राइट। ओके तो यार मैं फटाफट से ना एक बार देखता हूँ कि ब्लूप्रिंट हम लोगों को किस तरह का बनाना है तो मैं फटाफट से रेडी कर देता हूँ इसको ठीक है। पहले मेरे को इसकी विजिबिलिटी चेक करनी है कि ये इतने अंदर आएगा ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यार मैं इस वाले कूप फार्म को ना हटाने वाला हूँ ठीक है और हम लोग यहाँ पे ना नया बिल्ड करने वाले हैं। सिर्फ मैं सोच रहा हूँ ना कि ना ये जो बाउंड्री दिख रही है आप लोगों को मैं यहाँ पे ना फेंसिंग का काम करके पूरा एक सर्कल सा बना के उसके अंदर में सारा का सारा कूप फार्म करूँ सारी की सारी मुर्गियों की जगह होगी वो ये वाली और उसके अंदर काफी सारा हम लोगों को प्रॉफिट होने वाले हैं। चल तो हम लोग यार सबसे पहले ना यहाँ पे बाउंड्री का काम पूरा कर लेते हैं ठीक है। तो एक काम करता हूँ यहाँ पे ना फेंस में जाता हूँ और ना फटाफट से यहाँ पे फेंस बना लेता हूँ फटाफट से ना सर्कल वाइज में फेंस का काम ना शुरू कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है। मुझे पता है सर्कल तो नहीं बनने वाला क्योंकि यार इसमें पता नहीं आई डोंट नो सर्कल बनेगा कि नहीं वो ट्राई कर लेते हैं फिर भी हम ट्राई करेंगे जितना हो सकेगा उतना। तो फटाफट से ना इसको एक बार ट्राई करते हैं सर्कल अगर बन गया तो अच्छी बात है नहीं बना तब भी कोई बात नहीं यार ऑलमोस्ट ट्राई कर रहे हैं कि सर्कल में बने क्योंकि यार तो मैं फटाफट से वाली बाउंड्री फिनिश करके आप सभी से मिलता हूँ। तो यार यहाँ पे ना बाउंड्री बनाने के लिए ना मेरे को ये डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा अभी। तो मैं काम करता हूँ पहले ये वाली जगह हटा देता हूँ यहाँ से जहाँ जहाँ बाउंड्री की जरूरत पड़ रही है ना वहाँ से इसको हटा देता हूँ क्लियर कर देता हूँ ये वाला रास्ता ठीक है। ओके तो आई थिंक इतना डन है। ओके अभी इतने में हमारा काम हो जाएगा तो फटाफट से यहाँ पे प्लेसिंग करना शुरू कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया इसको ठीक कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है यहाँ पे बस एक दरवाजा ऐड करना है मेरे को। आई होप ये सही से ऐड हो रहा हो। वेल मुझे लगता नहीं सही से ऐड हो रहा है थोड़ा सीन लग रहा है इसको ना थोड़ा ठीक करना पड़ेगा मेरे को अच्छे से। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो चुकी है मेरे से नहीं तो ये पूरा परफेक्टली बन जाता यार। यार मेरा ना ये बाउंड्री का काम जो है ना ऑलमोस्ट हो चुका है लेकिन ये चिकन खूब जो है ना यार बीच में आ रहा है और मेरे को ना अभी मुर्गियों को मारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है भाई कसम से। इसमें कितनी मुर्गियां है 1, 2, 3, 4 है। छोड़ो एक सेकंड में काम करता हूँ इन मुर्गियों को ना किसी और कूप में रख देता हूँ सबसे बेस्ट आइडिया ठीक है। इनको ना किसी और कूप में डाल देता हूँ यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। चलो फटाफट से मैं इसको ना तोड़ देता हूँ यहाँ पे। आई होप सो अंडो कुछ ना हुआ और ये खाना वाना भी जो है ना इनको हटाना पड़ेगा। शिट लग रहा है ना प्लैंक्स जो है अंडों के ऊपर गिर गए भाई। चलो कोई बात नहीं यार भाई बहुत नुकसान हो गया लेकिन क्योंकि मेरे को सेल करके आने थे वो सारे। चलो ठीक है ये फटाफट से ना इनको हटा के यहाँ से ऐड कर देता हूँ। वेल ये हमारा जो दरवाजा होगा एंट्री के लिए और भाई यहाँ पे मेरे को लग रहा है ना थोड़ा फेंस वगैरह का काम ना करना पड़ेगा मेरे को यार एक और गेट ऐड करना पड़ेगा मेरे को ऐसा लगता है। यहाँ पे जो मुर्गियां वगैरह ना वो खामखा इधर आएंगी इसलिए आई थिंक इट्स
परफेक्टली फाइन फिलहाल के लिए। हाँ अभी के लिए ठीक है यार, अभी देखो यहाँ से जब तक मैं इसको करूंगा ना तब तक जो सारी मुर्गियां वगैरह ना वो इसके अंदर ही रहेगी, इसलिए ठीक है तो कोई सीन नहीं बैठेगा इससे। ये अभी ना बेटर है पहले से भाई, और ना ये सारी मुर्गियों को भी हटाना पड़ेगा यार। चलो अभी मेरा बाउंड्री का काम जो है ना पूरा हो चुका है फिलहाल के लिए। अभी तो यार काफी रात भी हो चुकी है, अभी ना हम लोग सोने चलेंगे। और ना यार जितना भी प्लैंक पड़ा हुआ है ना उसको फटाफट से ना यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ताकि ना चीजें तैयार हो ही जाए यहाँ पे, इसलिए इसको फटाफट से ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। काफी सारा प्लैंक की जरूरत पड़ने वाली है, हम लोग इतना बड़ा वो बना रहे हैं ना भाई, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी इसके अंदर और बहुत ही ज्यादा लाइक बहुत पैसा चाहिए भाई, और हमारे पास इतना पैसा है नहीं फिर, पर हम लोग मैनेज कर लेंगे भाई जैसे तैसे करके। अभी के लिए इसको ओपन करता हूँ और इसको ओपन करके रखूंगा मैं, ठीक है ये हमारी एंट्री के लिए हो गया यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे और प्लैंक भी तो पड़ा हुआ था ना, कहाँ गया। चलो मैं फटाफट से प्लैंक भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, एक प्लैंक मिसिंग है। चलो यहाँ पे ना मैट्रेस लेके आया था भाई, इसमें सो जाते हैं अभी फटाफट से, इजी बीजी यहीं पे लेट जाओ और अभी यहीं पे गेम सेव हो जाएगा, कोई सीन नहीं है। चलो सुबह हो चुकी है भाई हमारी प्यारी सी, और आज भी ना वेदर काफी क्लीन क्लीन है भाई, काफी टाइम से ना बारिश वारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, जो कि काफी अच्छी चीज है। और हाँ मेरे को ना यार ये थोड़ा सा यहाँ पे ना गड़बड़ हो गई थी, इसको फटाफट से ठीक करता हूँ मैं, ठीक है। वेल तो गाइस यार हम लोगों का यहाँ पे ना बाउंड्री का काम जितना भी था भाई पूरा हो चुका है, मैंने कर दिया जैसे तैसे करके। और अभी ना एक काम करते हैं, हाईलाइट वाला जो एरिया है ना उसको ऑफ कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। और अभी देखो भाई ये हमारी ऐसी बाउंड्री होने वाली है, इसको पूरा करने के लिए ना भाई बहुत सारे प्लैंक्स लगने वाले हैं अभी हम लोग। पहले तो मैं ना यहाँ के जो गेट वगैरह है ना इनको पूरा कर देता हूँ, यहाँ जितने मैंने तोड़ फाड़ के जो प्लैंक थे ना उनको तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है भाई। और यहाँ पे मेरे को ना और काफी सारे प्लैंक्स वगैरह ऐड करने, लेकिन वो सब कुछ करने से पहले भाई जितना भी सारा का सारा चिकन पड़ा हुआ ना सेल करके आने, ताकि ना हम लोगों को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए भाई, बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है इसलिए। तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ ना यहाँ पे अपने ट्रोली है ना ये इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके ये कनेक्ट हो गई है, अभी फटाफट से जितना भी मीट है जितना भी चिकन है सारा का सारा काट के अंदर डाल देता हूँ, उसको फटाफट से अपन लोग ना सेल करने चलेंगे ताकि ना हम लोग थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। तो कई सर हम लोगों ने सारा का सारा चिकन जो है लोड कर लिया है, और ना अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं बेस्ट बर्गर की शॉप पे। तो अभी फटाफट से निकलते हैं बेस्ट बर्गर की शॉप पे और वही सारा का सारा चिकन सेल करके आते हैं। अभी ना यार हम लोगों का जो ब्लूप्रिंट का काम है ना वो भी थोड़ा बहुत ही हुआ है, क्योंकि यार अभी ना हम लोगों को बहुत कुछ ऐड करना है। और मैं सोच रहा हूँ ना इस बार ना हम लोग वो स्मॉल वाले नहीं लगाएंगे, मीडियम भी नहीं लगाएंगे, इस बार हम लोग लगाने वाले हैं प्रीमियम या बिग चिकन को, क्योंकि यार एक्सपेंसिव वाले तो ना हम लोग बाद में लगाएंगे जब हमारे पास काफी सारा पैसा रहेगा, अभी हमारे पास इतना पैसा है नहीं क्योंकि। इसलिए यार हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बर्गर की शॉप पे, और ना फटाफट इसको रोक के हम लोग चलते हैं अंदर और ना देख लेते प्राइस वगैरह क्या बिक रहा है। वेल इनका तो प्राइस भाई इंटू टू पे चल रहा है जो कि हमारे पास है ही नहीं, और वाइल्ड मीट और रोस्टर मीट से हम लोगों को सिर्फ $195 मिले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कम है भाई। अभी हम लोगों को ना पहले हार्डवेयर स्टोर जाके आना है, क्योंकि यार हार्डवेयर स्टोर से ना मेरे को थोड़े बहुत कूलर खरीदने हैं। कूलर में क्या है कि हम लोग सारा का सारा मीट जो है उनके अंदर रख पाएंगे, हम लोगों को ना फालतू में लाइक इतना स्पेस नहीं भरना पड़ेगा हमारी ट्रोली वगैरह में। तो भी फटाफट से ना हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग यार पहुंच चुके हैं यहाँ हार्डवेयर स्टोर पे, और ना फटाफट से काफी सारे मतलब काफी सारे तो नहीं पर एक चार पांच बहुत रहेंगे हमारे लिए अभी कूलर। पांच कूलर बहुत है, $480 भाई साहब गरीब बना दिया इसने तो, $75 बचे हमारे पास सिर्फ। तो फटाफट से यार हम लोग ना इनको लोड कर लेते हैं यहाँ पे, और एक में 12 की कैपेसिटी है यार, कल तो मैं खरीद लिया मैंने इतने सारे, ओ माय गॉड इतने सारे खरीदने की जरूरत नहीं थी भाई, चलो कोई बात नहीं अब तो खरीद लिए। वेल तो यहाँ पे हम लोगों ने पांचों के पांच कूलर जो है वो रख दिए, तो अभी फटाफट से निकलते हैं यार हमारे ब्रांच में, और ना भाई वहाँ पे ना हम लोगों को फटाफट से ना अपना काम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को हिरन दिख गया, इसको पहले निपटा के जाऊंगा मैं यहाँ से। हाँ भाई किधर जा रहा है, कहाँ तक भागेगा कहाँ तक भागेगा, अभी ये रिलोड करने में बहुत टाइम लेता है। पिस्टल निकाल भाई तू, इसको भी टाइम लगाएगा रिलोड करने में। ओके इसको लिपटा दिया यहाँ पे हम लोगों ने भाई, इसको फटाफट से स्किन करते हैं हम लोग, जितना भी यहाँ पे कूलर है ना कूलर के अंदर भाई भर देते हैं इसको, ठीक है। जितना भी मीट है भाई सारा सारा इसके अंदर आ चुका है, ये चीज अच्छी है भाई ना, इतना वो अब भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रोले वगैरह भर जाती थी पहले, नहीं तो अभी कोई सीन नहीं है इतना। इसको मैं बाद में आके सेल करूंगा, नहीं तो अभी कर देता हूँ क्योंकि बर्गर की शॉप यहीं बगल में ही है, कोई बार इसको सेल करके आता तो थोड़ा बहुत पैसा और अर्न हो जाएगा भाई हमारा। यहाँ पे $45 जो है हमारे पास ऐड हो चुके हैं भाई, अभी फटाफट से हम लोगों ने अपने रांच में निकलते हैं, और ना वहाँ जितने भी एग्स वगैरह है ना वो सारे इकट्ठे करके हम लोगों को सेल करने के लिए आना है भाई। यार मेरे को पहले ही कर लेना चाहिए था ये सारा काम, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा सारे एग्स वगैरह कलेक्ट करने में, नहीं तो मेरे को देखना है कि हमारे एग्स से हम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा, तभी हम लोग ना थोड़ा अच्छा से कूक फार्म बनाएंगे ताकि ना उसमें कोई दिक्कत ही ना हो भाई, अच्छे से अंडे की फार्मिंग करेंगे और भाई सेल वेल करवाएंगे। वो भी फटाफट से ना पहले तो मैं बास्केट वगैरह ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। यार सीन ये है ये मुर्गियाँ बाहर आ जाएंगी गति है, चलो फटाफट से ना जितनी बैग वगैरह ना यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। गाइस यार मैं मिलता हूँ आप सभी से एग्स वगैरह कलेक्ट करने के बाद में। गाइस यार 120 अंडे जो है ना हमारे पास अभी हो चुके हैं, इसमें ऑलरेडी भाई साहब
द संडे है, मेरे को लगता नहीं है भाई इनके अंदर आएगा सारे के सारे एग्स वगैरह। काफी सारे अंडे हैं इस बार तुम्हारे पास में, वो काफी अच्छे प्राइस में ना बिकने वाले हैं भाई, मजा आने वाला है भाई। यार एक मुर्गी हटती नहीं है तो सामने से, मेरे को ना यार थोड़ी बहुत बास्केट जो है ना और लानी पड़ेगी, क्योंकि यार कम बढ़ रही है ये तो, क्योंकि भाई बहुत सारे अंडे दे रहे हैं। और अभी हम लोग जब हमारा बड़ा वाला कूप फार्म बनाएंगे ना भाई, तो तब तो भाई पता नहीं कितने अंडे अंडे हो जाएंगे, इसलिए मेरे को ना काफी सारे बास्केट्स भी लेके आनी पड़ेगी। और ये जो है ना इनको मैं काम करता हूँ ना, इनको यहीं पर रख के चला जाता हूँ फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी ना कूलर्स का कोई काम नहीं है, इसलिए इनको ऐसे गिरा देता हूँ यहीं पे। इधर आओ भाई तुम लोग, चलो ठीक है। कूलर्स हमने सारे गिरा दिए हैं, ये तो अभी मार्क कर दिया है मैंने मैप में, फटाफट से निकलते हैं भाई, सबसे बढ़िया शॉर्टकट है भाई। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार अपन एक्स वगैरह का जो है ना मल्टीप्लायर भी, मल्टीप्लायर तो चल नहीं रहा, तो मैं काम करता हूँ ना सो लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में हम चलेंगे ठीक है। तब तक मैं काम करता हूँ, प्लैंक वगैरह ले आता हूँ थोड़े बहुत और लगा देता हूँ यहाँ पे, साथ साथ ना ये वाला काम भी हमारा पूरा होता रहेगा, इसलिए गाड़ी में सारे प्लैंक्स ला के ना मेरे को लगाने पड़ेंगे। ऐसे तो भाई एक एक करके लाने में बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो फटाफट से ना यार जितने हो सकते हैं उतने लगा देता हूँ फिलहाल के लिए, फिर उसके बाद में हम लोग सोने चलेंगे भाई। भाई बहुत रात हो चुकी है, अभी ना सोने के लिए चलते हैं ठीक है। तो गाइस यार फिर से यार प्यारी से सुबह हो चुकी है, 8:33 हमारा शुरू हो चुका है यहाँ पे, और अभी भाई बहुत सारा काम है हम लोगों को। और ना यार ये मुर्गियां मर जाएंगी भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है ना सारी के सारी मुर्गी ना, तो भाई नुकसान हो जाएगा बहुत गंदा वाला। खाना भी तो नहीं बचा, क्योंकि यार खाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है एक तो मेरा, ये देखो खानों के लिए पहले चिल्लाने लग रही है भाई सारी मुर्गियां, मेरे पे खाना भी नहीं बचा, मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ भाई यार खाना भी नहीं बचा, मेरी सारी मुर्गियां मरने वाली है भाई साहब। और मैं सोच रहा हूँ ना इन मुर्गियों को सैली करके आ जाता हूँ यार, यही बेटर रहेगा मेरे लिए, तो इनको मरने का वेट करते हैं। उससे पहले मैं ना एक काम करता हूँ भाई, पहले तो ना निकलता हूँ यहाँ से फटाफट से बेस्ट बर्गर की शॉप पर, जितने भी अंडे ना सारे सेल करके आते हैं ठीक है। जिस तरह हम ड्राइव कर रहा हूँ मेरे को लग रहा है ना मेरे अंडे वंडे भी फूट जाएंगे भाई बास्केट से। चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे हैं और देख लेते हैं कि अंडों का क्या प्राइस चल रहा है भाई। यहाँ पे बॉर्क है, मिल्क है और बीफ सोसेज है भाई, रात को याद आना चाहिए था। सब इन अंडों का हम लोगों को मिल रहा है $960, ओ माय गॉड ड्यूड, $960 काफी ज्यादा मिल चुका है भाई, मतलब अंडों से भी हम लोगों ने काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है भाई साहब, लेट्स गो। तो अभी एक काम करता हूँ, मेरे को ना वहाँ पे कुछ कूप वगैरह का ना ब्लूप्रिंट ना तैयार करके रख देता हूँ, ताकि ना हम लोग वहाँ पे मुर्गियों की फार्मिंग करना स्टार्ट कर दें, और वहाँ पे ना खाना वगैरह भी लाना पड़ेगा, नहीं तो भाई मेरी सारी मुर्गियाँ पहले ही पड़ जाएंगी। तो फटाफट चलते हैं अपने रांच पर भाई, काम शुरू करते हैं अपना। ये देखो भाई कितना बड़ा फार्म है यार हमारा, देख रहे हो भाई साहब क्या ही फार्मिंग होने वाली है हमारी। यहाँ पे मुर्गियों की बाउंड वन सब बनाएंगे भाई, एक और मुर्गी लिपटगी लग रहा है, एक और मुर्गी लिपटगी भाई, खाना ही नहीं है लेकिन यार खाना तो यार, ये भी यहाँ पे भी लिपटगी, यहाँ पे भी एक लिपटगी है, नहीं दो लिपटगी वहाँ पे, यहाँ पे भी दो लिपटगी, सारी मरने वाली है, ये सारी मुर्गियां मरने वाली है। चल ठीक है कोई बात नहीं, अभी मेरे को ना पहले यहाँ पे ना कूप बनाना है मेरे को। हम लोग ना यार कौन सा कूप बनाएंगे, यहाँ पे एक प्रीमियम चिकन कूप है और यहाँ पे बिग चिकन कूप भी है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हम बनाए कौन सा ठीक है। दोनों ही लाइक सेम है, 20-20 हेंस हम लोग रख सकते हैं इनके अंदर। तो एक काम करता हूँ मैं ना बिग चिकन कूप बना लेता हूँ ठीक है, और इनको ना हम लोग बनाने वाले हैं कुछ अलग अलग तरह से ना, डिवाइड करने वाले हैं सारे सेक्शन वगैरह यहाँ पे हम लोग, भाई मजा आने वाला है। और एक काम करता हूँ ना उसको, हम लोग चिकन का जो फार्मिंग शुरू करेंगे ना वो यहीं से थोड़ा करने वाले हैं, इसलिए मैं काम करता हूँ इसको कुछ इस तरह से लगाता हूँ। ये तो मुर्गी है लेकिन बाहर चले जाएंगी इस तरह, तो यार हमारी हम लोग समझ नहीं आ रहा एंट्री किस साइड से, आई थिंक आई गेस एंट्री साइड से है मेरी, ठीक है ठीक है। हम लोग दरवाजा तो बंद रखेंगे, कोई सीन नहीं है पीछे का, तो वो सिर्फ खाने वाने के लिए रहेगा। तो एक काम करता हूँ यहाँ से तो एंट्री रहेगी हमारी ना, मैं भाई इसे सारा ब्लू प्रिंट बनाने से पहले ना एक काम करता हूँ ना, वुड फेंस वगैरह जो है ना लगा देता हूँ यहाँ पे, आई थिंक कुछ इस तरह से बहुत है, इस तरह से रख देता हूँ इसको यहाँ पे ठीक है। तो यार यहाँ पे ना मेरा जो थोड़ा बहुत ब्लू प्रिंट है ना वो तैयार हो चुका है यहाँ पे, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 5 के 5 जो बिग चिकन कूप है ना वो लगा दिए हैं। इसके अंदर 20-20 मुर्गियां हम लोग ऐड कर सकते हैं, जिससे हम लोग काफी सारे अंडे मिलने वाले हैं। तो आई गेस 5 जो है काफी है। यहाँ पे एक दरवाजा बना दिया जिससे कि हम लोग अंदर भी जा सके इसके, वेल दैट्स गुड। और मेरे को ना एक सेकंड रुको, चीज चेक करनी है, खाना पानी जो है ना हम लोग अंदर रखना पड़ेगा राइट। आई होप सो ना कि ये वाला जो फार्म है ना ये अच्छा बन जाए हमारा। हम लोग फटाफट से ना पहले तो ये बास्केट वगैरह जो है ना इनको निकाल के ना यहाँ से बाहर पटकते हैं, और ना फटाफट चलते हैं हमारे गैराज के अंदर, और भाई काफी सारा प्लैंक वगैरह है ना हमारी गाड़ी में भरते हैं, ताकि हम लोग ना ये बिल्ड जो है फटाफट से फिनिश कर सके ठीक है। वेल मुझे पता है आज की इस वीडियो में तो पूरा फिनिश नहीं होगा, पर आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट कि इसको ना पूरा हम लोग कर दें। यार हम लोगों को ना भाई बहुत सारी मुर्गियां पाल ली है यहाँ पे, और इसमें ना बहुत ही ज्यादा खर्चा होने वाला है। आई नो ये पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं, लेकिन आई नो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, वो मेरे को यार बहुत हंटिंग करनी पड़ेगी, और हमारे वहाँ पे अंकल वगैरह रहते हैं ना, हम लोगों को पैसे वगैरह लेने पड़ेंगे, वो भी उनका काम वाम करके ऐसे फ्री में नहीं लेंगे भाई पैसे वैसे। और हम लोग ना मे बी बैंक से हम लोग ना लोन वगैरह लेके आएंगे, ताकि हम लोग हमारी जो मुर्गियां है ना उनको पाल वाल के अच्छे खासा हम लोग पैसा वगैरह जनरेट करके भाई हम सारा का सारा जो कर्जा होगा ना हमारा बैंक से वट से भाई निपटा देंगे, ताकि ना फालतू में बाद में ना इंटरेस्ट ना बढ़े इतना सारा ठीक है, हम लोग कहीं भाई इतना सारा पैसा भरना पड़ जाए इसलिए।
तो भाई जितना प्लान का भी निकाल के रख सकता हूँ ना अभी फटाफट से रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर ज्यादा हो गया ना ये तो हम कोई बात नहीं, हम लोग वापस रखने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे फटाफट से। यार मैं इसको ना भाई सारा का सारा प्लैंक जो है ना उसको भर देता हूँ। वेल गाइस यार यहाँ पे ना मैंने काफी सारा प्लैंक जो है ना लोड कर लिया भाई गाड़ियों में, और भाई अगर कमी पड़ी ना तो हम लोग कोई बात नहीं और दोबारा लेने आ जाएंगे। लेकिन फटाफट से ना भाई सारा कुछ ना फिल करना शुरू करते हैं यहाँ पे, और भाई इनको ना फटाफट से फिनिश करते हैं भाई। काफी मस्त बनने वाला है हमारी जगह। वेल यहाँ पे हो तो जाएगा भाई, पूरा का पूरा सर्कल बनाना है भाई हम लोगों को भाई, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि यार हमारा जो फार्मिंग का एरिया बनने वाला है ना काफी तगड़ा बनने वाला है, एकदम मस्त सा भाई, काफी बढ़िया तरीके से हम लोग फार्मिंग करने वाले हैं भाई यहाँ को फटाफट से। भाई यहाँ पे ना अभी बहुत सारा प्लैंक मेरे को जरूरत पड़ने वाला है भाई, बहुत ही ज्यादा प्लैंक्स से तो कुछ भी नहीं होने वाला मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि यार हर एक चीज में प्लैंक्स की हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। अभी मैं गाड़ी घुमा के ले आता हूँ यहाँ पे भाई, कितना बड़ा फार्म है भाई ये। भाई साहब बहुत सारा प्लैंक लगेगा भाई, बहुत सारा प्लैंक, जितना प्लैंक में लाया उन्हें तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया भाई। यहाँ पे वुड प्लैंक 50-50 चाहिए इनमें भाई, बहुत ही ज्यादा चाहिए भाई, इतना प्लैंक तो मेरे पे है ही नहीं, मेरे को और बनाना पड़ेगा लगता है। और मेटल भी चाहिए 25 भाई, थोल भी लेके आएंगे हम लोग अभी। यार ये बास्केट कैसे अटक रही है भाई, जितना प्लैंक पड़ा हुआ है ना इसको फटाफट से निकालते हैं। अभी 100 प्लैंक है हमारे पास, तो आई थिंक इसमें ना एक कूफ फार्म तो बन जाना चाहिए हम लोग, एक या दो कूफ फार्म तो बन ही जाएंगे भाई, कोई सीन नहीं बैठेगा। हम लोग दो तो पूरे कर लेंगे एटलीस्ट, उसमें मुर्गियां ला के खाना वाना उनका ना देखना पड़ेगा हम लोगों को फटाफट से। और आई होप सो हम ना अगले वीडियो तक काफी सारा पैसा जनरेट कर ले, मेरे को ऑफलाइन ग्राइंड करना पड़ेगा भाई इस गेम को, ताकि हम लोग ना काफी सारा पैसा वगैरह हमारे पास हो जाए ना तो हम लोग जल्दी से हमारे जो पूरा फार्मिंग का सिस्टम है ना पूरा बना ले भाई हम लोग अच्छे से। उसके बाद तो हमारे पास जो पैसे पैसों की बारिश होगी ना भाई मजा आ जाएगा फिर तो। यार मेरा ना भाई प्लान खत्म हो चुका है सारा का सारा, और जितना भी था ना भाई सारा का सारा मैंने गाड़ी में रख दिया है। अभी फटाफट से चलते और ना हमारा जो कूप है ना उसके अंदर भाई इसको ना फटाफट से इंसर्ट करना शुरू करते हैं। और यार मेरे को नहीं सारे के सारे कूप जो है ना बने हुए इनको भी तोड़ना पड़ेगा, ताकि जो प्लैंक बचा हुआ है ना इनके अंदर से निकला हुआ वो भी हम लोग लगा सके। ठीक है, बास्केट वगैरह भाई ऐसे फैली हुई है ना एकदम, तो मेरी गाड़ी भी इसमें नहीं आ रही भाई, बताओ दरवाजा मैंने गलत बना दिया ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है, अभी फटाफट से ना उतरते हैं और ना हम लोग फटाफट इसको फिल करना शुरू करते हैं यहाँ पे भाई। एक का तो 50 हो चुका है यहाँ पे, और ये वाली जो बाउंड्री ना इसलिए नहीं पूरी कर रहा क्योंकि ना यार इसमें अभी मेरे को श्योर नहीं है कि मैं इसको इस तरह रखूंगा यार, बाद में चेंज करूंगा इसलिए। और अभी हमारे पास इतना प्लैंक है नहीं वेस्ट करने को, इसलिए आई डोंट वांट टू डू दैट अभी। और जितना अभी हम लोग ऐड कर सकते हैं ना कर देते हैं भाई, और थोड़ा बहुत कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा दरवाजा वरवाजा बनाने के लिए। और हमारा सारा प्लैंक जो है ना वो भी खत्म हो चुका है, लेट्स गो। चलो ये हो गया हमारा यहाँ पे, और अभी ना हमारे हम लोगों को चाहिए मेटल, तो यहाँ पे 25-25-50 मेटल चाहिए। तो हम लोग भाई अभी चलते हैं फटाफट से हार्डवेयर के स्टोर पे और भाई मेटल लेके आते हैं। यार दरवाजा ना थोड़ा सा गलत बना दिया मेरे को ऐसा लग रहा है, इसको ठीक कर देंगे बाद में, कोई सीन नहीं है। अभी चलते हैं भाई हार्डवेयर स्टोर, और हमारे गाड़ी में तेल भी नहीं है भाई, तेल भी भरवाना पड़ेगा। शिट, एक काम करते हैं पहले ना गैस स्टेशन चल के आते हैं भाई, तेल ज्यादा जरूरी है नहीं तो लग जाएंगे हमारे, तेल ही नहीं है कोई गाड़ी में। 300 मीटर दूर जाना है भाई साहब, मेरे को लगता नहीं जा पाएगी। भाई सर हम लोग पहुंच चुके हैं गैस स्टेशन, फटाफट से इसको रिफिल कर देते हैं भाई, ऐसी अब लग जाना चाहिए है। ओके इसको इंसर्ट करते हैं भाई, स्टार्ट फ्यूलिंग करते हैं फटाफट। पता नहीं कितना लीटर भरेगा, $1600 है हमारे पास अभी, कितने डॉलर खर्च हो जाएंगे इसमें, $40 हमारे खर्च हो चुके हैं। ओके तो हमारी गाड़ी जो है रिफ्यूल हो चुकी है यहाँ पे, अभी फटाफट से अपने को जाना है हार्डवेयर स्टोर पे। लाइक $4,000-5,000 मेरे को चाहिए है मेरा, अगर ऑटोमेटिक फीडिंग का भी मेरे को सिस्टम पूरा सेट करना है, तैयार करना अच्छे से, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा भाई ग्राइंड करने में इसको भी। तो लेट्स सी देखते हैं $4,000-5,000 हम लोग कितने दिन में कमा पाते हैं भाई। फटाफट से यहाँ पे मेटल खरीद लेता हूँ मैं $500। ओ भाई मेटल बहुत महंगा बिकता है, कसम से बहुत महंगा बिकता है भाई। एक सेकंड, मेटल अपने आप ही गाड़ी में आ गया। वो फटाफट से पहुंचते हैं हमारे रांच में, और भाई हमारा जो कूप है ना उसको फटाफट से उसका बिल्ड शुरू करते हैं। इधर हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे रांच में, मैं फटाफट से मेटल वगैरह लेके जाता हूँ, इनको लगाना शुरू कर देता हूँ इसमें। को यहाँ पे पूरा हो चुका है। ओह वाओ, लेकिन थोड़ा ना खाली खाली सा अजीब अजीब सा लग रहा है यार ये, मेरे को पेंट करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे जो है ओह व्हाट, ये क्या है वे वैल्यू। अच्छा यहाँ पे मुर्गियाँ जो है ना अंडे दे सकती है मेरे को ऐसा लग रहा है। और ये क्या है, बटन गायब हो गया भाई। हेलो लॉल भाई ये तो अच्छा, आई सी, ओके ओके, क्या क्या सीन है भाई इसका। अच्छा ऐसा है के, मेरे को मतलब ना के ये खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से मैं डायरेक्टली अंडे वगैरह जो है ना कलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे को यार ये वाला फार्म दोबारा बनाना पड़ेगा लगता है। दो तो अभी के लिए बहुत है, बाकी वाले ना मैं भी डिलीट कर दूंगा, थोड़ा अच्छे से सेट करूंगा उनको, ताकि ना मैं ये अगर ड्रॉवर वगैरह खोलूँ ना तो कलेक्ट भी कर पाऊँ अंडे वगैरह अच्छे से, ताकि ना मुर्गियाँ वगैरह बाहर ना निकले इसलिए। वेल ये काफी बढ़िया सिस्टम है भाई इसका, ये देख रहे हो यहाँ से मैं डायरेक्टली, वैसे ये भी सही है यार, यहीं से मैं डायरेक्टली इकट्ठे कर सकता हूँ सारे, यहीं से मैं डायरेक्टली दबा के ना कलेक्ट कर सकता हूँ उन सबको। ये सब मैं बाद में सेट करूंगा, अभी के लिए तो ये दो बहुत है। और इसको ना कर देता हूँ बंद, और भाई अभी ना इसमें कितना चाहिए मेटल, 125-50-500 का आता है भाई सब, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है कसम से भाई। चलो तो यार हम लोग एक काम करते हैं, अभी ना
फटाफट से चलते हैं हमारी मुर्गियों को। मुर्गियां तो हमारी मर चुकी है सारी की सारी, ऐसा लग रहा है मेरे को भाई। अभी हमारा फार्म कुछ इस तरह का है और इसको ना फटाफट से पहले मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। सारी मुर्गियां जो है ना मर चुकी है भाई यहाँ पे, और ये लो भाई सारे के सारे मर गई भाई, सारे के सारे। इसको फटाफट से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ यहाँ पे, इसका कोई काम नहीं क्योंकि मुर्गियां ही नहीं बची भाई हमारी यहाँ पे। को ना भी स्किन करके ना हम लोग चिकन बेच के आएंगे, तो फटाफट से पहले इसको तोड़ वोड़ लेता हूँ मैं भाई यहाँ पे। भाई हम लोगों ने हमारा पुराना वाला कूप फार्म तो भाई एकदम बिल्कुल फोड़ दिया है, खत्म ही कर दिया भाई बिल्कुल एकदम। अभी यार बहुत रात भी हो चुकी है, पहले तो नहीं जो थोड़ा बहुत प्लैंक बचा हुआ है ना इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये थोड़ा बहुत प्लैंक जो है भाई, बहुत सारा प्लैंक मिल चुका है वैसे तो हम लोगों को, भी फटाफट से लगा देते हैं। ये वाली जो बाउंड्री है ना पूरी की पूरी फिनिश हो जाएगी अभी हमारी। चलो तो यार हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सोने के लिए अभी। ऑलराइट तो गाइस यार भाई सुबह हो चुकी है और वेदर थोड़ा ना अजीब सा लग रहा है मेरे को, लग रहा है बारिश होने वाली। ऊपर से वेदर तो साफ दिख रहा है पर ना बारिश होने वाली है इतना मैं श्योर हूँ अभी। तो एक काम करता हूँ भाई, ये जो पानी का सिस्टम है ना ये तो मैं डायरेक्टली अभी लगा देता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, और ये जो भी है ना अभी यार यहाँ से तो खुलेगा ही नहीं, तो भाई गड़बड़ हो गई। यस बाउंड्री से ऊपर से चढ़ के आएंगे भाई, इसको ठीक करना पड़ेगा भाई, थोड़ा ग्लिच सा लग रहा है मेरे को इसलिए। फिलहाल के लिए दो टैंकर रख रहा हूँ, इनफ रहेगा लाइक पानी पानी के लिए। और हमारी बकेट्स का है सारे के सारे यहाँ पे, जो बकेट्स है ना इसको इंस्टॉल कर देता हूँ ठीक है। और हम लोग यहाँ पे खाने का भी जो ड्रॉ है ना वो बनाना पड़ेगा। रुको यहाँ पे आते हैं हम लोग खाने वाले में, और आई थिंक स्मॉल वाले बनाने हैं मेरे को, कहाँ गए। चलो यहाँ पे दो मुर्गी के बना दिए खाने के लिए, अभी फटाफट से प्लैंक लाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं भाई। और मुर्गियाँ तो हमारी एकदम पूरी बेहोश हो चुकी है, बेहोश का एकदम खत्म ही हो गई भाई। चलो इसको फटाफट से फिल कर देता हूँ यहाँ पे, चार प्लैंक और लगेंगे मेरे को अभी। यहाँ पे मेरे को खाना डालना पड़ेगा और पानी का तो ऑटोमेटिक सीन है अभी, बाद में हमारा ये ऑटोमेटिक फीडर और बन जाएगा ना भाई पानी का, तो भाई फिर कोई सीन नहीं रहेगा, फिर तो ये हमेशा जिंदा रहेंगी, इनको तो फिर मरने का कोई मरेंगी नहीं भाई, एक बार भी नहीं मरेंगी फिर तो। फटाफट से भाई मैंने ये सारे के सारे जो कूलर वगैरह है ना वो यहाँ पे ला के रख देता हूँ पहले, तो कि मैं सारे के सारे मुर्गियों को ना स्किन करके इनके अंदर रख सकूँ। डन है, अब इनको स्किन करता हूँ भाई सारी मुर्गियों को। अब चिकन इसके अंदर आ जाए, मुझे लगता नहीं सारे के सारे ना कूलर्स की जरूरत पड़ने वाली है, इसी के अंदर सारी मुर्गियाँ आ जाएंगी। अब इसके अंदर रखना भाई क्या कर रहे हैं भाई, सारी मुर्गियाँ मर गए भाई, बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, कसम से बहुत बुरा लग रहा है भाई। बहुत ज्यादा ग्राइंड किया था जब इनके छोटे छोटे बच्चे हो रखे थे ना भाई, उनको इतना खाना पाना खिलाया भाई, जब जाके बड़े हुए और भाई अभी सारे की सारी मुर्गियाँ जो है मेरी मर चुकी है यहाँ पे, बहुत बुरा लग रहा है भाई, बहुत बुरा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं यार, अभी ना इन लोगों को सेल करके आएंगे और भाई जितना भी हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा उतना बहुत है, जितना भी पैसा मिलेगा उससे हम लोग ना नई नई मुर्गियाँ खरीद खिलाएंगे और काफी सारे रूस्टर भी हम लोगों को खरीदना है नहीं जल्दी जल्दी ना वापस से, लाइक इनकी तादाद जो है ना बढ़ जाए भाई। कूलर के अंदर डाल लेता हूँ स्किन करके, यहाँ पे हमारे दो कूलर जो है ऑलरेडी भर चुके हैं भाई। तो यहाँ से एक बास्केट उठाता हूँ, सारे के सारे अंडे ना फटाफट से इसके अंदर भर लेता हूँ। एक हो गया यहाँ पे, बस यहाँ पे ना खाली नीचे ना पड़े हुए हैं अंडे बस, क्योंकि वो अंडे नीचे पड़े रहते हैं ना तो फिर भाई पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे पड़े हुए हैं, वो उठाने भी पड़ते हैं भाई। भाई सर यहाँ के सारे अंडे तो मैंने रख दिए हैं और ना अंदर भी थोड़े बहुत अंडे बचे हुए हैं, तो फटाफट से ना उनको भी जाके ना निकाल लेता हूँ और यहाँ पे उनको भी ना फटाफट से ना इसके अंदर पुट इन कर देता हूँ। फटाफट से हमारी गाड़ी के अंदर इन सारे सामान को ना लोड करते हैं और भाई हम लोग ना फटाफट से इनको सेल करने के लिए निकलते हैं। ऑफलाइन थोड़ा ग्राइंड करके भाई पैसे वैसे अर्न करके उसके बाद में हम लोग ना भाई पूरा का पूरा सिस्टम अपना तैयार करेंगे भाई। कोई सीन नहीं है अभी, इसका कितना प्राइस बिक रहा है ये बताओ मेरे को पहले। रूस्टर मीट है हमारे पे एक, ओके 1000, अच्छा ठीक है $1000 मिल रहा है जो कि काफी सही है भाई, अच्छा खासा प्राइस मिल गया हम लोगों को सारा कुछ। तो अभी हमारे पास कितना है पहले मेरे को देख लेता हूँ, फिर जनरल स्टोर चलेंगे। अभी हमारे पास 2304 है। जनरल स्टोर तो मेरे को जाना था लेकिन यार मेरे पे ना ये सारे के सारे कार्ड भी नहीं लाए तो मैं, और ये सारा सारा सामान रखा पड़ा है तो फिर मैं ना कहाँ रखूंगा उनको, इसलिए पहले अपन अपने रांच पे चल के आते हैं, सारा सामान वहीं पे रख के आएंगे पहले। ओके अभी मेरे को फटाफट से इसको पहले हिच करना है इसमें, और उसके बाद में हम लोगों को मुर्गियाँ लेने जाना और मुर्गियों का खाना भी। लो इसको पहले तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ये लग गया है, ओके डन है। अभी जनरल स्टोर चलते हैं फटाफट से। आई थिंक चार रूस्टर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पर मैं सोच रहा हूँ ना पिग्स भी खरीद लो यार, बांध तो हमने बनाया नहीं है पर पिग्स भी मैंने खरीद कर रख लेता हूँ, क्या बताए लोग जब बर्थ देंगे तो भाई प्रयाग इनके लिए खाना भी इनको अलग से सेट करना पड़ेगा भाई, खाने का सिस्टम भी, खाना है नहीं हमारे पास अभी। चलो कोई नहीं, अभी हम लोग ना चिकन खरीद लेते हैं भाई, और 10 चिकन बहुत है और 2 रूस्टर बहुत है, 10 चिकन और 2 रूस्टर बहुत है आई थिंक, लेट्स गो। अभी इसको फटाफट से ना भाई मैं लोड कर लेता हूँ सारी की सारी मुर्गी, और खाना भी इनका मेरे को लेके चलना पड़ेगा, या खाने के लिए ना मेरे को खाना लेने के लिए ना वापस आना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। 20 मुर्गियाँ भाई, 20 मुर्गियाँ। चलो यहाँ पे हमारी कितनी मुर्गियाँ हो गई, 10 यार 12 मुर्गियाँ हो चुकी हैं, 2 रूस्टर 10 मुर्गी। ठीक चलो ठीक है, अभी मेरे को खाना भी रखना है, 4 बैग बहुत रहेंगे फिलहाल के लिए, या 5, आई होप 5 बैग आ जाए उसमें, और खाना भी ला सकता था मैं। चलो कोई बात नहीं, इतना बहुत है फिलहाल के लिए। अभी हम लोग चलते हैं हमारे रांच में और भाई फटाफट से पालना शुरू करना पड़ेगा ताकि ये लोग ना काफी सारे अंडे दे और भाई प्रॉफिट हो। मेरे को ऑफलाइन थोड़ा ना इसको गेम को ग्राइंड करना पड़ेगा ताकि यार ज्यादा अंडे खाऊं और मैं ना अच्छा खासा प्राइस में सेल भी कर पाऊं उनको। तो भाई चलते हैं फटाफट से हमारे रांच में, और ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ओके यहाँ से हम लोग आते हुए और हमारे अभी ना फटाफट से रुक, पहले ना मैं खाना वाना लोड करके आऊंगा भाई, क्योंकि ना फिर मैंने चाहता है कि मुर्गियां ना अभी से मरना शुरू हो जाए यहाँ पे जाके। तो आई थिंक 14
मेरे को मतलब क्या इतना इतना बहुत है, पर मेरे को ना और खानों के लिए ना ट्रो लगाने पड़ेंगे, 3 तो आई थिंक लाइक लगानी पड़ेंगी क्योंकि 20 मुर्गियां आती हैं इस जगह पे, इसलिए तो अभी तो हमारे पास सिर्फ 12 मुर्गी है, तो कोई सीन नहीं है, एक एक करके खाना खाती है। आई होप सो एक एक करके खाती हूँ। बाहर कहाँ आ रही है, हेलो बाहर आ रही है भाई मुर्गियां, जगह कम पड़ गई भाई मुर्गियों के लिए, 12 मुर्गियां तो फिट नहीं हो रही इसके अंदर, बाहर नहीं निकलना अभी, ठीक हूँ, हेलो अभी हेलो अदे बाहर निकलना नहीं जब कह दिया भाई। चलो ठीक है, इसका तो हमारा काम पूरा हो चुका है, और मैं खाना वाना जो है ना थोड़ा पीछे की साइड रख देता हूँ ताकि ना मेरे को इजी हो बाद में लोड करने में उनके अंदर। ये वाले जगह मैंने बनाई नहीं था तो भाई सीन हो जाता अभी मेरा, गाड़ी भाई स्टक हो रही है यहाँ पे मेरी, थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा भाई काम मेरे को यहाँ का, नहीं तो मेरी गाड़ी फंस जाएगी तो कोई मतलब ही नहीं है सका का फिर। चलो अभी बाहर आ चुके हम लोग, खाना वाना जो है ना सारा का सारा यहाँ पे रख देते हैं साइड में। ओके बच गया भाई, अभी मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है अपने आप ही, ओ भाई रुक जा, ओ हेलो भाई मेरी गाड़ी अपने आप पता नहीं कहाँ भूत बैठा हुआ है मेरी गाड़ी में भाई, अपने आप ही जाए जा रही है, जाए जा रही है। अभी देखना फिर से, ये देखो अभी तो रुक गई भाई, पहले क्यों चल रही थी इतनी, फिर हाँ अभी फिर से चल रही है अभी तो रुक जा रही है भाई, पहले पहले पता नहीं क्या हो गया था इसको। चलो ठीक है, अभी मेरी मुर्गियाँ ना लेकिन एक सेकंड बाहर की साइड आ नहीं रही है भाई, ये कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को, करना पड़ेगा भाई ये तो थोड़ा गड़बड़ होगी भाई, ये तो नहीं चलेगा, मर जाएंगी भाई मुर्गियाँ। भाई इधर जाना, उधर कहाँ बाहर आ रहे हो, बाहर नहीं निकलना, अबे एक को अंदर डाल रहा हूँ दूसरी बाहर आ रही है, बंद हो गए बहुत हो गया, एक मुर्गी और बाहर गई थी मेरी, कूदिक बाहर जा रही है, ऐसे क्या रुको तुम, बहुत हो रहा है भाई, एक को अंदर डाल रहा हूँ बाहर आ रही है दूसरी मुर्गी भाई, हद। यहाँ पे खाना पानी रखा हुआ है, खा लेना शांति से भाई, अगर ये मुर्गियाँ मरगी ना तो भाई बहुत गंदा नुकसान होगा कसम से बता रहा हूँ। आई डोंट वांट टू डाई यार, खाना भी तो खा नहीं रही नहीं, पता नहीं क्या सीन है, मर गई ना तो सीन हो जाएगा मतलब। हमारा जो कूप है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है भाई, और हाँ ठीक है अभी मुर्गियाँ वगैरह जो है ना अपने आप जा रही है खाना वाना खाने के लिए। यार हम लोगों की थोड़ी बहुत अभी फार्मिंग ना शुरू हो चुकी है, और भाई अभी तो बहुत ग्राइंड करना बाकी है, और इसको ना एक नंबर का फार्म आने वाले हम लोग, अभी हम लोग ना इसी तरह का ना एक और बनाएंगे जहाँ पे ना हम लोग लाइक पिग्स काउस वगैरह जो है ना वो पालेंगे, या इस साइड में पिग्स रखेंगे और इस साइड में हम लोग चिकन्स वगैरह रखेंगे, और एक और फार्म बनाएंगे जहाँ पे ना हम लोग काउस और गोट्स वगैरह को वहाँ पे रखेंगे। ठीक है अभी चलते हैं हम लोग भाई सोने के लिए, भाई दिन ना मेरे को पता है लेकिन भाई अभी मेरे को नींद आ रही है बहुत गंदी वाली, तो चलते हैं अभी आराम से सोएंगे, ग्राइंड करेंगे भाई ऑफलाइन। आई होप यार तुम लोगों को मजा आया, अगर मजा आता है नीचे लाइक का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।